आज कोई सफी नहीं, आज का निराला दिन है। आज से जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम वन से आते हैं, आज मन भर चुका है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये अवसर की प्रतीक्षा उन लाखों लाखों राम भक्तों ने किया था, जिन्होंने खूनों से सींचा, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये पल, ये क्षण, ये अवसर आया है। हम लोग भाव विभोर हैं, शब्द ही नहीं है। जय सिया राम। नहीं, आंखों में ये आंसू नहीं है, ये वो ललकार है जिसकी प्रतीक्षा लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति देकर किया था। उसके चरणों में एक बूंद समर्पित है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, उनकी आत्मा को शांति देना। जिस प्रकार से लोगों ने जो प्रयास किया, जो मेहनत की, इसी का प्रणाम स्वरूप है कि आज ये पल, ये क्षण, ये अवसर आना, क्योंकि हम लोगों ने वो दिन देखी है। लाशें उठाने से लेकर लाठियां खाने से लेकर गोलियां खाते लोगों को देखा है, स्वतः लाठियां खाई है, मुकदमे झेल रहे हैं, तो बोलने पर दिक्कत होती थी। और आज संभव नहीं है, हम लोग कभी महसूस नहीं करते थे। और आज आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, नहीं तो संभव नहीं था। हम लोग कभी जय सियाराम बोलते थे तो लोग कहते थे सांप्रदायिक ताकत हैं, तब महसूस होता था क्या हम लोग का भी समय आएगा क्या, और आज वो समय आया है। हर व्यक्ति उत्साहित है, प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है, मन गदगद है। हर व्यक्ति के मन में यही भाव है कि जिस प्रकार से वो राम जिन्होंने सबको गले लगाया, वो राम जिन्होंने कहा कि तुम मम प्रिय वारसम भाई, इस भाव से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने कार्य किया। और आज वही राम का मंदिर बनाने के लिए इतने वर्ष लग रहे थे, तो राम जी को कोई काल्पनिक कहे, कोई मांसाहारी कहे, अगर कोई यह शब्द का प्रयोग करता है, ऐसे ही आंसू निकलने लगते हैं। और आज जब यह पल, यह क्षण, यह अवसर आया है, हर व्यक्ति प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है, मन गदगद है। हर जगह उत्सव ही उत्सव है, हर जगह उत्साह ही उत्साह है। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए, नहीं आ सकते हैं, उनसे कर्पत प्रार्थना है, निवेदन है कि 25-26 के बाद आप लोग आइए। और आज के लिए मैं निवेदन करता हूँ, अपने अपने घरों में जरूर पाठ पूजा करें, आरती करें, प्रसाद वितरित करें, उत्सव मनाएं, और शाम को प्रयास करें आरती करके और दीप जरूर जलाएं, और भगवान के चरणों में दो शब्द, हे प्रभु बड़ी कृपा है पूरे विश्व में। हमारा ये नहीं सिखाते हैं बुत पूजक काफिर होते हैं उनका गला काटना चाहिए, हम ये सिखाते हैं सबको गले लगाइए, सबके लिए मंगल कामना करिए।